हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 द क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल विद वर्टिसेस 0.4, 0.00, 0.0 and 3.0 इज. एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला क्या है? हाफ स्क्वायर ब्रैकेट एक्स वन होल वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू होल वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री होल वाई वन माइनस वाई टू. सो ये एक फॉर्मूला लर्न करने का मैं सीक्वेंस बताता हूँ आप लोग को. आप लोग रिमेंबर कीजिए एक सीक्वेंस, वन टू थ्री, टू थ्री वन, थ्री वन टू. अगर ये ट्रिक से आप लोग फॉर्मूला को आसानी से लिख सकते हैं. वन टू थ्री, टू थ्री वन, थ्री वन टू, जस्ट ऐसा लिखिए. अगर फॉर्मूला लिखने में दिक्कत हो रहा है तो ऐसा लिखिए, यहाँ पे x लिखिए, यहाँ पे y माइनस वाई लिखिए, उसका बाद वन टू थ्री, उसका बाद फिर फॉर्मूला नेक्स्ट x लिखिए, उसका बाद y माइनस वाई लिखिए, उसका बाद फॉर्मूला नेक्स्ट होगा टू थ्री वन, उसका बाद फिर लिखिए x, फिर लिखिए y माइनस वाई, तो फिर लिखिए क्या, थ्री वन टू. बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग को फॉर्मूला याद हो जाएगा. सो अभी ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करना है. सो सॉल्व कैसे करेंगे, ये फॉर्मूला और उसका वैल्यूज लगाएंगे हम लोग. एक्स वन मीन्स जेरो, सो ये वाला पार्ट को इग्नोर करने से हो गया, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल जेरो आने वाला है, टोटली ये जेरो आने वाला है, क्योंकि ये जेरो का साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. एक्स टू क्या होगा, एक्स टू इज ऑल्सो जेरो, ये वाला पार्ट को भी इग्नोर कर देना, टोटली इग्नोर कर देना. सो प्लस, सो आखिरी होप यहाँ से यहाँ पे बचा हुआ है अभी, थ्री, एक्स थ्री इज थ्री. सो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे ये अल्टीमेटली जेरो होने वाला है, बिकॉज मल्टीप्लाइंग विद जेरो. सो थ्री एक्स थ्री, देखिए अभी वाई वन, फोर माइनस जेरो, लेकिन यहाँ पे मैंने वैल्यूज नहीं दिया है, बिकॉज ये अल्टीमेटली ये जेरो बन जाता है, यहाँ पे भी मैंने वैल्यूज नहीं लगाया, सो डेट इट विल बी इजी एंड शॉर्ट. थ्री फोर जो ट्वेल्व लिखिए, ट्वेल्व स्क्वायर यूनिट, टू सिक्स जा ट्वेल्व बाई टू मीन्स सिक्स, सो द करेक्ट आंसर इज सिक्स स्क्वायर यूनिट. सो यहाँ पे कुछ मैंने नहीं स्टेप्स नहीं किया, स्टेप्स मतलब यहाँ पे मैंने वैल्यू नहीं लगाया, बिकॉज पहला वैल्यू मिल गया जेरो, तो ये अल्टीमेटली जेरो ही होगा. जितना वैल्यू मेहनत, बेकार का मेहनत नहीं करना है, टाइम सेविंग करना है, टाइम सेव. सो यहाँ पे देखिए ये भी जेरो हो गया, एक्स टू भी जेरो हो गया, मतलब ये नहीं करने से बगे, लेकिन यहाँ पे वाई एक्स थ्री का वजह से ये सॉल्यूशन अभी कंप्लीट हो गया. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द क्वेश्चन इज वैल्यू ऑफ एट कोसेक स्क्वायर ए माइनस एट कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू एट. कैसे होगा मैं आप लोग को बताता हूँ. एक्चुअली कोसेक स्क्वायर ए इक्वल वन प्लस कोट स्क्वायर ए. सो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल वन. तो आप लोग देखिएगा एट, दोनों का कॉमन लिया मैंने, दोनों पे कॉमन लिया, ये वाला पार्ट लिया और मैंने कॉमन लिया, दोनों को दोनों का कॉमन एट की एट. सो एट कॉमन लिया मैंने, उसका बाद कॉमन को आउट किया, कॉमन को क्या किया, आउट किया. 8 into this value is 1. So that is why its answer is. This is one of the identity of chapter number 8. Trigonometry का chapter number 8 का ये identity है. तीन identity में से ये एक identity है. Cosec square A equal 1 plus cot square A. So इसका हिसाब से क्या हुआ, 8 हुआ. So थोड़ा बहुत हम लोग टेक्निक भी लगा सकते हैं, ये 8 का वजह से ये 8 हुआ, ऐसा भी कर सकते हैं.